नमस्कार, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज का सवाल है, क्या मुलेठी चूर्ण कीमोथेरेपी के बाद कैंसर रोगियों में फायदेमंद है? क्या यह दवाई विषाक्तता को कम करता है? संस्कृत में यष्टिमधु कहा जाने वाले मुलेठी सबसे अधिक उपयुक्त आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में से एक है। लगभग हर भारतीय घर में जब भी किसी की आवाज कम होती है तो आप देखेंगे कि इस जड़ी बूटी को चबाया जाता है। इसका वानस्पतिक नाम ग्लाइसराइजा ग्लैबरा है। आचार्य बाबा मिश्र के अनुसार मुलेठी के लाभ हैं, यह दृष्टि के लिए अच्छा है, शक्ति और व्याधि क्षमता सुधार करता है, यह गले की व्याधि आवाज की कर्कशता के लिए एक उत्कृष्ट उपाय है, उल्टी में फायदेमंद है और प्यास से भी राहत दिलाता है। आचार्य चरक के अनुसार यष्टिमधुकस्य चूर्णम मेद्याने चैत्याने रसायनानि, इसका अर्थ है नद्यपान, मेद्य बुद्धि में सुधार, रसायन उम्र बढ़ना धीमी करता है। अब सवाल है, क्या कीमोथेरेपी के बाद कैंसर के मरीजों में मुलेठी चूर्ण फायदेमंद है? कीमोथेरेपी शरीर में दुर्बलता पैदा करती है और शरीर की गर्मी को बढ़ाती है। साथ ही कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां शरीर में विषाक्तता पैदा करती है। आचार्य चरक का कहना है कि मुलेठी में एंटी एजिंग गुण होते हैं, जो कीमोथेरेपी के कारण होने वाले दुर्बलता का मुकाबला करने के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। साथ ही आचार्य भाव मिश्र का कहना है कि मुलेठी विषहर है। कीमोथेरेपी शरीर में विषाक्तता लाता है और विषाक्तता पदार्थों के बुरे प्रभावों को मुलेठी बेअसर करता है। इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी इस संबंध में मददगार साबित होगी। सिर और गर्दन के कैंसर में विकिरण अथवा कीमोथेरेपी के दुष्प्रभावों के विरुद्ध इसके सुरक्षात्मक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मुलेठी पर एक शोध अध्ययन किया गया है। इसलिए मुलेठी रोगी की ताकत को बहाल करने, कीमोथेरेपी दवाओं की विषाक्तता को कम करने में भी बहुत उपयोगी है। कीमोथेरेपी के बाद देखभाल के लिए अन्य उपयोगी जड़ी बूटी है अश्वगंधा, गोखरू, गुग्गुलू, त्रिफला, बरियारा आदि। सही जड़ी बूटियों के बारे में सुझाव के लिए डॉक्टर से परामर्श करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के हमारे इस प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।